बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही थी चीज पराठा। इसके लिए 2 कप मैंने आटा लिया है सफेद। इसमें मैं नमक डालूंगी और 1 टेबलस्पून के करीब सूजी और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब मैं इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको गूंदेंगे। अब मैं गूंदती हूँ इसे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं 2 अंडे लूंगी। अब मैं इसमें नमक थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डालूंगी। थोड़ी ही इसमें मिर्चें मैंने ली है, 1/2 टेबल स्पून के करीब है। और इनको अच्छी तरह फेटें। अब मैं इसमें अंडा बनाऊंगी। ये अंडा मेरा हो गया है। अब मैं आपको पराठा बताती हूँ किस तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए, ये नॉर्मल मैंने पेड़ा बनाया है। अब मैं इसे अच्छी तरह बेलूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं रोटी की तरह ही बेलूंगी। चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। किनारों का आप खास ख्याल रखा करें कि मोटे ना हो। अब मैं इसमें जो मैंने ये अंडा बनाया था इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए और फिर ये मैं चीज डालूंगी इस तरह करके। फिर थोड़े से अंडे डालूंगी इस तरह करके फिर ये चीज इस तरह करके और फिर मैं इसको इस तरह करके बंद कर दूंगी। इस तरह करके हम पोटली टाइप की बना लेंगे और फिर हम इसको इस तरह करते। बहुत ही मजे का बनता है। आप बच्चों को लाजमी बना के दें, अपने बच्चे बहुत ज्यादा खुशी होके खाएंगे इसे। इस तरह खुश्की लगाई मैंने इसे, इसको मैं दोबारा बेलूंगी हल्के हाथ से।
बहुत हल्के हाथ से इसे मैंने बेलना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह हम ये देखें, ये मैंने डाल दिया, इसे हल्की आंच में हम सेकेंगे। इस तरह करके आप चाहें तो इसमें असली घी लगा लें। थोड़ा सा ये सीख जाएगा तो फिर मैं इसमें घी लगाऊंगी। इस तरह करके चारों तरफ से पहले हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे, फिर हम इसमें घी लगाएंगे। अब मैं इसमें घी डालूंगी। और इसको हल्के हल्के हम सेकेंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आने लगी। बच्चे एक ही तरह का आमलेट खा के दिल भर जाता है, तो इस तरह बच्चों को बना के दें तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। फिर मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए अच्छी तरीके से ये हो गया। ये देखिए इस तरीके से आप काटें, गरम है जरा। इस तरह देखें कितनी जबरदस्त। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह की रेसिपी मिलूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।